बसमीम्सम वेलकम टू माई किचन में हूँ शेफ़ हाफ़ा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशिय रेसिपी लेके आई हूँ आज हम बनाएंगे चॉकलेट ड्रीम केक हम इसे पहले भी बना चुके हैं लेकिन आज हम इसको थोड़े और मज़ेदार तरीके से बनाएंगे तो रेसिपी का कोई भी मिस मत कीजिएगा आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक बोल पे एक छना रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे हाफ कप मैदा साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ कप पाउडर चीनी एक चौथाई कप जो है यहाँ पे हमें कोको पाउडर ऐड करना है यानी कि वन फोर्थ कप कोको पाउडर वन टी स्पून भर के जो है वो मिल्क पाउडर ऐड करना है यहाँ पे, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और साथ ही यहाँ पे हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड करना है लास्ट में चुटकी भर नमक और अब हमें सबको छान के अच्छी तरह से गोल में ऐड कर लेंगे तो इसको मैंने अच्छे से छान लिया है अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें ऐड करेंगे एक अंडा साथ ही इसमें ऐड करेंगे वन फोर्थ कप मेल्टेड बटर और साथ ही यहाँ पे हमें वन फोर्थ कप जो है वो दूध ऐड करना है जो कि रूम टेम्परेचर पे है सिंपल और वन टी स्पून वनीला एसेंस इस सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे साथ ही यहाँ पे ऐड करना है वन एट कप हॉट बॉइलिंग वाटर यानी कि उबलता हुआ गर्म पानी वन फोर्थ कप का हाफ होता है तो जैसे ही हमें एक सोगा तो एक डिलिशियस चॉकलेटी बैटर जो है वो बन के रेडी हो जाएगा अब सिंपल हम छः से सात इंच के राउंड बेकिंग पैन को ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और फिर उस पैन के साइज़ का बटर पेपर कट कर करके लगा देंगे इसमें ऐड करेंगे केक का बैटर अब हम केक बेक करेंगे इसको हम विदाउट एवन एक पतीली में बेक करेंगे उसके लिए सिंपल एक पतीली को मैंने हल्की आंच पे ही होने के लिए रख दिया था दस मिनट के बाद हमें पतीली में एक स्टैंड ऐड करना है और इसमें हम केक का पैन रखेंगे कवर करके हम लो टू मीडियम फ्लेम पे केक को 25 से 30 मिनट के लिए बेक कर लेंगे तो तकरीबन 30 मिनट्स हो गए हैं केक को चेक कर लेते हैं इस तरह दरमियान से चेक करेंगे इसकीवर डाल के इस पर कोई बैटर नहीं लगा हुआ इसका मतलब केक अच्छे से बेक हो गया है केक को निकाल लेंगे और अच्छे से इसको ठंडा कर लेना जब केक ठंडा हो जाएगा तो इसको सिंपल हम एक नाइफ की मदद से से सेलहदा कर लेंगे और इसको निकालेंगे एक बर्तन में इसके ऊपर से बटर पेपर हटा लेंगे अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ड्रीम केक का पेन है जो कि बेकरीज में यूज़ होता है इसको सिंपल हम इस तरीके से केक के ऊपर रखेंगे और पेन के साइज़ का जो है वो स्पंज को कट कर लेंगे तो सिंपल इस तरीके से मैंने केक को पेन के साइज़ का कट कर लिया है एजिस को हम इस तरीके से साइड पे रख देंगे एजिस को जो है वो हम ऐसे ही खा सकते हैं साइड पे रख देंगे और जो स्पंज है उसको ऐड करेंगे ड्रीम केक के पैन में इसके ऊपर हम लगाएंगे सबसे पहली लेयर जो है वो विप क्रीम की सिंपल इस तरीके से अच्छे से लगा देंगे अब हम बनाएंगे चॉकलेट गिनाश तो उसके लिए हम एक पैन में ऐड करेंगे वन हंड्रेड ग्राम्स विपिंग क्रीम साथ ही यहाँ पे ऐड करेंगे फिफ्टी ग्राम्स डार्क चॉकलेट लो फ्लेम हम पे हमें इसको पकाना है अच्छे से मिक्स करते हुए चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है तो जैसी ही मिक्स होगी तो डिलिशियस ही चॉकलेट की नाश है वो इस तरीके से रेडी हो जाएगी इसको हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे और फिर हम इसको ऐड करेंगे व्हिप्ड क्रीम की लेयर के ऊपर अच्छे से अब हम इसको कवर कर लेंगे और इसको फ्रीजर में रख देंगे तकरीबन थर्टी मिनट्स के लिए हम एक सॉस पैन में पानी गर्म कर लेंगे इसके ऊपर एक हीट प्रूफ बोल रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे वन फोर्थ कप मिल्क चॉकलेट मिक्स करते हुए हमें चॉकलेट को यहाँ पे मेल्ट कर लेना है तो चॉकलेट जो है वो यहाँ पे इस तरीके से अच्छे से मेल्ट हो गई है अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह तो एकदम अच्छे से मिल्क चॉकलेट जो है वो यहाँ पे देखिए मेल्ट हो गई है अब ड्रीम केक का पेन जो है जो हमने फ्रीजर में रखा था थर्टी मिनट्स के बाद उसको निकालेंगे और इसके ऊपर हम ऐड कर लेंगे मेल्टेड मिल्क चॉकलेट मेल्टेड मिल्क चॉकलेट ऐड करके इसको अच्छे से हमें स्प्रेड कर लेना है अच्छे से स्प्रेड करके हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे कोको पाउडर और अब हम उसको रख देंगे फ्रिज में तकरीबन थर्टी मिनट्स के लिए तो ये तैयार है हमारे डिलिशियस है चॉकलेट ड्रीम केक हमने उसको एकदम बेकरी स्टाइल बनाया है इसमें सबसे पहले चॉकलेट केक की के लेयर होती है फिर व्हिप्ड क्रीम की लिए होती है फिर मजेदार सी चॉकलेट गिनाश होती है और ऊपर क्रंची सी चॉकलेट होती है जब चॉकलेट को क्रैक करके हम इसका बाइट लेते हैं ना तो खाने में ही बहुत ही यमी लगता है तो तैयार है मज़ेदार सा चॉकलेट ड्रीम केक अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में अल्लाह हाफिज़